अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर सकती हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज फिर मैंने अपने ग्राफ्स के फोर फोर ब्लॉक्स को छोड़कर क्रॉस लगाए हुए हैं ऑलरेडी, छोटे छोटे। ठीक है, तो इन्हीं से अब हम आज लास्ट डे की तरह का ही पैटर्न ड्रॉ करेंगे, लेकिन आज का पैटर्न लास्ट से थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। और मैं आपको सिखाऊंगी इसको कन्वर्ट करना, कि इसको किसी और मीडियम पे कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। मैंने उस अपने लास्ट लेक्चर की तरह ही पेंसिल को तकरीबन फोर ब्लॉक्स जितना खोल लिया। ठीक है, अब मैंने उसी तरह इसके ऊपर से लाइन बनाते जाना है। जहां पे कंपास हिल जाए वहां पे मेजरमेंट दोबारा कर लें। ताकि उसका साइज खराब ना हो। एक लाइन छोड़ दी यहां से या यहां से, और दूसरी पे फिर से पहले की तरह ही करने हैं। और ये हमारा तकरीबन क्रॉस वाइज जा रहा है काम। यानी ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, बल्कि तिरछा है। अब मैं दूसरे सर्कल पे, यानी के अब इस जो लाइंस मेरी बन गई थी इनको इंटरसेक्ट करती जाऊंगी। अच्छा, अगर तो मैंने इसको बनाना है ना पैलेट में, तो इतना भी काफ़ी है, क्योंकि बीच में तो कलरिंग आ जानी है। ठीक है, और अगर आप डबल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं तीन ब्लॉक्स जितना निब को ओपन करूँगी और उसी तरीके से क्रॉस पे निब को रख के लाइंस बनाती जाऊँगी। ऐसे करना है और इसको इस तरह से करना है। ठीक है, जैसे मैं, चले इरेजर कहाँ है, इस क्रॉस के ऊपर और साथ वाली लाइन को इरेज कर देना। इनको यहाँ से इस तरह से कर लेना और इसको भी यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये कैसा यू 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 और यू बनेगा। ठीक है, अब दोनों साइड से इसको इरेज कर लिया, यू हो गया। अब ये बिल्कुल हर एक में ऐसे ही जाता जाएगा। इरेज मैं बाद में कर लेती हूँ।
यूं ही मैं इरेज करती जाऊंगी और इसको कंप्लीट करती जाऊंगी। एक एक ब्लॉक, एक किस साइड से किस साइड से इरेज करना है। एक एक ब्लॉक को मैंने इरेज किया और उस क्रॉस में जो ऑलरेडी लाइन टच हो रही थी उसको इरेज करके ऊपर कर दिया और साइड पे कर दिया, और नीचे जो लाइन टच नहीं हो रही थी उसको क्रॉस से टच करके अरेंज कर लिया। अब ये मेरे हिसाब से मैं चेक कर रही हूँ सारे बॉक्स फिल हो गए। अब इनको इरेज कर लेती हूँ ताकि जब मैं इसकी इसको स्केच करूँ तो मुझे याद रहे कि ये लाइंस नहीं है, ऊपर वाली है, ये बीच वाली दोनों इरेज करूँगी मैं। ये जो दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं ये इरेज हो जाएंगी। बारी बारी रेस करके इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके इसको कॉपी कैसे करना है, क्या इसको किसी और मीडियम पे उतारना कैसे है, मैं क्या करूँगी, एक सिंपल पेंसिल लूँगी जैसा कि मार्केट से 20-30 रुपए की मिल जाती है, ठीक है, और इसके बैक पे आ जाऊँगी यहाँ पे, ये उसी पैटर्न का पीछे का हिस्सा है, ये देखो। अब इसके ऊपर मैं पेंसिल को स्क्रैच करना शुरू कर दिया है इस तरीके से, आम लेड पेंसिल जो मिल जाती है कार
कार्बन मैंने कभी ट्राई नहीं किया कोई भी इस तरीके से. मैं कोई भी इमेज कॉपी कर लेती हूँ किसी भी मीडियम पे. अच्छे तरीके से पेंसिल को, ग्राफ पेपर बड़ी थिन क्वालिटी का होता है तो आपने पेंसिल को इस तरह से लिटा के ही ना उसके पीछे सारा कंप्लीट करना है, भर लेना है इसको खूब अच्छे तरीके से, मैक्सिमम जितना भी आप कर सकें. सारी लाइंस दूसरे पेपर पे कॉपी हो जाए. ये कर लिया. अब मैं इसको उतारूंगी. ये मैंने आज स्केचबुक लिया, आज मैं वाटर कलर्स करने के मूड में थी तो इसको मैं रखूंगी ऐसे स्क्रैपबुक पे और धीरे धीरे अपनी पेंसिल चलाती जाऊंगी. मजे की बात है कि इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो वो इरेज भी हो जाएगा. इस तरीके से करते जाएं आप. इसको तो हमने वैसे ही नहीं ना करना.
देख लूं कि कोई ऐसी चीज जो रह गई हो पूरे पैकेट में। मेरे हिसाब से तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया। नजर आ रहा है कुछ? अब ये मैंने, अब इसमें हम वाटर कलर्स करते हैं। इज इट गुड? वाटर कलर्स आज मैं लाई हूँ, ये है। पानी ले आऊँ? यहाँ से करना भूल गई थी। कंपास बड़ी मुझे काम की चीज लगती है। मुझे लगता है घूमती नहीं है, घुमाती है इंसान को। और मैं जब भी इसको घुमाती हूँ कुछ ना कुछ नया बनाती हूँ।